बहुत खुशी मिल रही है बिकॉज जैसे कि आपने अभी अभी देखा आई मीन ऑल ऑफ आर केमिस्ट्री इज गुड फन एंड ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम द सेम एज ग्रुप एंड इट्स एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज इट इट्स अ कॉमेडी फिल्म तो द स्क्रिप्ट इज गुड फन एंड वी हैड वर्कशॉप्स ऑफ द फिल्म एंड ऑल एंड वी हैड अ ब्लास्ट इन द शूट जी काफी चुलबुली राइट काफी लोगों को चक्कर देने वाले जी कैसा किरदार है ये आप दोनों का किस तरीके की केमिस्ट्री आपकी और बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट को स्टार्स लाइक दैट एंड वी हैव अ गुड वेवलेंथ ऑल ऑफ अस लाइक आई सेड सिंस वी आर फ्रॉम द सेम एज ग्रुप एंड एक्सपीरियंस्ड इन आवर ओन फील्ड्स एंड हम हमारा नाम मिली जुली है तो हम मिलजुल कर रहती हैं जो भी कुछ करती हैं वो सारी प्लानिंग सारी मस्ती वो सब मिलजुल कर करती हैं आप देखा जाए तो आप मॉडल से एक्ट्रेस बन रही हैं जी एक्ट्रेस बन रही हैं में कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम आई कि एक्टिंग को रिलेटेड एक्टिंग को जब देखते हैं लोग तो कहते हैं कि खूबसूरती एक अलग चीज़ है और एक्टिंग अलग चीज़ है तो इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आई Fortunately, मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज आई हैव बीन इन द फील्ड फॉर द लास्ट 5 years आई हैव डन अ फ्यू टी वी कमर्शल्स एंड प्रिंट कैंपेन्स एंड म्यूज़िक वीडियोज़ ऑल्सो सो क्योंकि शायद मुझे इतना टाइम हो गया है एंड अबाउट 3 years बैक आई हैव डन अ सीरियल फॉर बालाजी कॉल केसर फॉर 1 year दैट इज़ वेयर माई एक्ट आई थिंक बालाजी वॉज माई एक्टिंग स्कूल जहाँ से मैंने एक्टिंग मेनली सीखी एंड बिकॉज कैमरा प्रेजेंस एंड स्क्रीन प्रेजेंस तो already hai because I've been doing ads and all that but it's just that films is a bigger platform jahan pe aap zyada der tak apna talent logo tak dikha sakte hain so it was good aapke do jo co-stars hain isme baki male co-stars hain aslam aur yuti to un dono ki chemistry kaisi rahi un dono ka saath aapke saath kaisa behavior raha bahut acha matlab the behavior and the warmth that we felt for each other since day one just increases our interest to come every day to the shoot and to the workshops and all it has been fantastic puri film abhi bol rahe hain sirf 25 din baki hai shooting ko complete karne mein to puri film ke dauran kya kuch aisi ghatna rahi aap logon ke beech mein jo aapko hamesha yaad rahegi kyunki aapki ye first film hai ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे क्योंकि फिल्म में मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो स्क्रिप्ट से रिलेटेड ही हुआ है एंड आई कैन नॉट डिस्क्लोज मच ऑफ द स्क्रिप्ट बिकॉज आई वांट यू गाइस टू गो एंड वॉच द फिल्म सो बहुत सारी छोटी 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 इंसिडेंट्स हैं आई एम श्योर दैट यू विल गेट टू सी इट इन द मेकिंग जब फिल्म बन जाएगी और जब आप लोग जाएंगे इट इज बट ऑल आई कैन से इन शॉर्ट इज दैट इट वॉज ग्रेट फन मैंने वो फिल्म नहीं देखी थी आई एम सॉरी पुरानी रफू चक्कर आज के जो ऑन लोकेशन की बात सॉन्ग पिक्चराइजेशन हो रहा है क्या ये एक डिस्को सॉन्ग है इसके पहले एक सीन हुआ है जब हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पर मिलते हैं हम सब फर्स्ट टाइम एंड हाउ वी ट्राई टू इग्नोर देम एंड हाउ दे ट्राई टू जस्ट एक्ट फ्रेंडली एंड फाइनली वी जस्ट से ओके एंड जस्ट लेट्स गो विद देम एंड ऑल उसके बाद ये गाना है एंड इट्स अ वेरी एनर्जेटिक वेरी एफर्वेसेंट सॉन्ग फुल ऑफ कलर्स एंड Rajiv Goswami was the choreographer of the song and it's a very peppy number so I'm sure that the young crowd will like it the director Tarun ji ke bare mein kya kahenge Tarun Kumar I think he is very sweet he's a very humble and sweet person in a nutshell and doesn't have any airs about himself very cooperative with the artist and very easy going and I think he's a comedian himself so he's just apt for the film okay is film ke liye auditions hue honge to aapka jab selection hua to kis basis pe unhone aapko select kiya well I haven't given an official audition for the film but they had called me for because they've already seen my work and my acting and all that so they had called me first time I had refused because I did not want to do a two girl and a two boy film but Aslam called me up and he requested me to come and meet Mr. Ikram Akhtar I went and met him who is the writer of the film and I really like the script it's hilarious I mean I just died crying so I think that's the USP of the film and I said yes and I went about it and today I'm happy doing the film yeah, thank you